hello everyone welcome back to tiwari academy so today we will be continuing example of problems of the chapter quadrilaterals so in the previous video we have completed exercise 8.1 so today we'll be starting with exercise 8.2 so i request everyone to attend this session till the end so let us solve question number one diagonals ac and bd of a parallelogram abcd intersect each other at o any key ये एक पैरोोग्राम है जिसका नाम है ए बी सी डी तो नेमिंग कैसे करते हैं यहाँ पर अगर ए कर लिया तो यहाँ पर बी हो जाएगा एंड वी कैनॉट नेम सी हेयर यानी कि यहाँ पर सी हम नाम नहीं दे सकते हमको एक साइकिल में जाना होता है तो सी विल बी हेयर ए बी सी डी ठीक है तो ये हो गया तुम्हारा डायगोनल प्रॉपर नेमिंग ऐसी होती है ठीक है नाउ द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ पैरोोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ यानी डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ यानी इंटरसेक्शन वाला पॉइंट कौन सा है ओ है ये वाला जो पॉइंट है ये इंटरसेक्शन पॉइंट ओके सेंटीमीटर देंथ ऑफ ओ एजन दैट इज थ्री सेंटीमीटर ओ ए कितना दिया हुआ है थ्री सेंटीमीटर एंड ओडी इज इक्वल्स टू टू सेंटीमीटर दैट मीन्स दिस ओडी इज इक्वल्स टू थ्री सेंटीमीटर सॉरी टू सेंटीमीटर दिस इज 2 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड यानी कि हमको क्या फाइंड करना है AC एंड BD, लेंथ ऑफ AC एंड BD। फाइंड। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन हमको पूरे डायगोनल का लेंथ बताना है AC का लेंथ कितना है बताना है और DB का लेंथ क्या है ये बताना है ठीक है तो वी ऑल नो दैट ए इज वॉट पैरलोग्राम एबीसीडी इज पैरलोग्राम सो ए सी विल भी इक्व टू ए सी विल भी इक्व टू ए प्लस ओ सी ए प्लस ओ सी ठीक है और इसमें यह भी है पता होगा हमको कि ए ओ इज इक्व टू ओ सी बिकॉज रीजन इज डाइगोनल्स ऑफ अ पैरलोग्राम ऑलवेज bisect ईच अदर बाइसेक्ट each अदर देखो डायगोनल क्या करते हैं पैरलोग्राम किसके डायगोनल्स पैरलोग्राम के क्या करते हैं हमेशा एक दूसरे को बाइसेक करते हैं बाइसेक करने का मतलब है एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना यानी कि कहने का मतलब यह है कि एवो विल be, यानी कि जो एवो है ये जो ए है लेंथ ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू ओ सी और ओ सी क्या है इक्वल है यानी कि ए सी का मिडल पॉइंट क्या है ओ है ठीक है वैसे ही सिमिलरली डी ओ विल बी इक्वल्स टू ओ बी ठीक है तो आई विल राइट हियर सिमिलरली डी बी इज इक्वल्स टू सिमिलरली डी बी इज इक्वल्स टू डी बी इज क्या है डी ओ प्लस ओ बी डी ओ प्लस OB and DO is equals to OB. Reason will be same. Reason क्या होगा तुम्हारा Same हो जाएगा ठीक है Reason same होगा Diagonals of parallelogram will always bisect each other. ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि ए सी इजिकल्स टू टू ए सी इजिकल्स टू टू ए और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं डी बी इजिकल्स टू टू ओ डी टू

इट इज थ्री सेंटीमीटर इट इज गिवन ठीक है और अपना डी बी जो है डी बी जो है इट इज इक्वल्स टू टू इंटू टू सेंटीमीटर विच आर इज विच इज इक्वल्स टू फोर सेंटीमीटर ठीक है एज ओडी इज गिवन दैट इज टू सेंटीमीटर इट इज वॉट गिवन ठीक है देरफोर द लेंथ ऑफ ए सी एंड बी डी इज सिक्स सेंटीमीटर एंड फोर सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली ठीक है तो लेंथ क्या है सिक्स सेंटीमीटर एंड फोर सेंटीमीटर

पैरोोग्राम के जो डायगनल होते हैं दे आर नॉट परपेंडिकुलर दे आर जस्ट बाइसेंग इच अदर ओके सो आंसर विल बी सोल्यूशन विल बी नो दॉट ट्रू नो द Not true because diagonals of parallelogram do not form right angle. एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर ओ मानते हो तो यहां पर ये 90 डिग्री नहीं बनाता यानी कि कहने का मतलब क्या है ये परपेंडिकुलर नहीं होता ठीक है दे दे आर जस्ट दे जस्ट बाइसेकट ईच अदर तो यहां पर वो भी स्टेटमेंट तुम ऐड कर सकते हो दे जस्ट बाइसेकट ईच अदर बाइसेक्ट ईच अदर ठीक है सो द आंसर विल बी नो नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री कैन द एंगल्स हंड्रेड एंड टेन डिग्रीज एटी डिग्रीज सेवेंटी डिग्रीज एंड नाइन्टी फाइव डिग्रीज बी द एंगल ऑफ अ क्वाडरी लेटरल वाई और वाई नॉट क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्या ये जो एंगल है हंड्रेड एंड टेन एटी सेवेंटी एंड नाइन्टी फाइव डिग्री क्या ये एक क्वाडरी लेटरल के एंगल्स है यानी बताना है ठीक है और क्यों है क्यों नहीं है ये भी बताना है ठीक है तो वी ऑल नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वारल इज 360 थ्री ठीक है तो so एंगल 110 एंड डिग्री प्लस 80 डिग्रीज प्लस 70 डिग्रीज प्लस 95 डिग्री दे शुड मेक हाउ मच 360 सिक्सटी डिग्रीज ठीक है दे शुड मेक वट थ्री सिक्सटी डिग्रीज तो देम एंड सी

degrees cannot be the angles of quadrilateral with the angles of quadrilateral okay. now let us solve question number four in quadrilateral abcd ठीक है एक कॉर्टोलेटरल है जिसका नाम है ए बी सी डी लेटेस्ट कंसिडर दिस कॉर्टोलेटर ए बी सी एंड डी ठीक है ये कोई भी कॉर्टिलेटरल है ठीक है एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री यानी कि ये वाला एंगल ठीक है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों का सम जो है इट इज़ वन एटी ठीक है एंगल ए प्लस एंगल डी इट इज़ दैट इट इज़ वन एटी ठीक है नाउ वी शुड नो दैट इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन दिस टू साइड्स आर साइडिट ठीक है तो क्वेश्चन का पूरा मतलब क्या है देखो व्हाट स्पेशल नेम कैन बी गिवन टू दिस क्वाड्रिलेटरल यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है 180 डिग्री है तो इस क्वाड्रिलेटरल का हम क्या स्पेशल ऐसा नाम रखेंगे या तो काइट रखेंगे रोमबस स्क्वायर और एगल इसमें से क्या नाम रखेंगे ठीक है तो सबसे पहले तो देखो एंगल ए प्लस एंगल डी इज़ एटी डिग्री दिस कंडीशन इज ओनली पॉसिबल दिस कंडीशन ओनली पॉसिबल वेन नी वन पेयर ऑफ साइड ऑफ क्वारिलेटरल आर पैरल यानी कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में कोई भी दो साइड यानी कि कोई भी दो साइड का जो पेयर होता है वो अगर एक दूसरे से पैरेलल है तो इसको हम क्या बोलेंगे ट्रपेजियम बोलेंगे क्या बोलेंगे ट्रपेजियम तब जाकर ही एंगल ए प्लस एंगल डी क्या होता है 180 एटी डिग्रीज होता है ठीक है यानी कि ये वाला और ये वाला मिलकर क्या होगा 180 एटी डिग्रीज तब जाकर होगा व्हेन ए बी इज पैरेलल टू डी सी कोई भी एक साइड क्या है पैरेलल होना जरूरी है तो कोई भी एक साइड कहाँ पे पैरल होता है ऐसा कौन सा शेप है जहां पर एक साइड पैरल होता है तो दैट इज ट्रपेजियम तो आंसर विल बी ट्रपेजियम ठीक है ट्रपेजियम ही ऐसा एक शेप होता है जहां पर कोई भी एक साइड क्या होता है पैरेलल होता है ठीक है देखो पैरलोग्राम भी हो सकता है बट उसमें क्या होता है दोनों भी साइड क्या होते हैं दोनों भी पेयर क्या होते हैं एक दूसरे से पैरेलल होते हैं यानी कि अगर ये पैरेलल होता तो ऐसे हो जाता है ठीक है ये पैरलोग्राम है ठीक है लेकिन हमको बस इससे फर्क पड़ रहा था तो एक साइड किस में आता है सिर्फ ट्रपेजियम में आता है ठीक है फाइन नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर फाइव ऑल द एंगल्स ऑफ अ What आर इक्वल is स्पेशल नेम इज quadrilateral? ठीक है क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स है वो इक्वल है ठीक है क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स कैसे है इक्वल है तो उसको हम ऐसा क्या नाम देंगे यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम होगा ठीक है तो सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है 360 होती है तो क्या हो जाएगा एंगल एक मान लो एक कॉर्डेलेरल है नॉर्मल ए बी सी डी तो उसका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी शुड बी इक्वल टू हाउ मच 360 डिग्री बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कॉर्डेलेरल की 360 ठीक है नाउ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी ठीक है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इट इज वॉट गिवन दिस इज वॉट गिवन ठीक है ये है जो हमको दिया है देखो यहां पर लिखा है ऑल द एंगल्स ऑफ आर इक्वल ठीक है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं फोर इंटू फोर इंटू एंगल ए ठीक है क्योंकि सारे कैसे इक्वल है तो फोर इंटू एंगल ए इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी तो एंगल ए इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी बाई फोर विच इज इक्वल्स टू विच इज इक्वल्स टू एंगल ए इजिकल्स टू 90 डिग्री यानी कि हर एक एंगल जो है वो कैसा है 90 डिग्री का है हर एक एंगल कैसा है 90 डिग्री का है. तो देखो एक ही शेप होता है सॉरी दो शेप होते हैं जिसके क्या होते हैं हर एक एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। देखो एक तो होगा वो स्क्वायर ठीक है एक तो होगा स्क्वायर बट क्या रेक्टेंगल भी जो है है ना रेक्टेंगल के भी क्या होते हैं हर एक एंगल क्या होते हैं 90 डिग्रीज तो हम किससे चलेंगे रेक्टेंगल से क्योंकि हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है तो आंसर विल बी रेक्टैंगल आंसर विल बी रेक्टेंगल ठीक है क्योंकि स्क्वायर में रेक्टेंगल भी आ सकता है बट रेक्टेंगल में स्क्वायर नहीं आ सकता है ठीक है तो रेक्टेंगल से हम चलेंगे दैट इज ऑल द एंगल्स आर इक्वल्स टू 90 डिग्रीज देखो ये 90 है ये 90 है ये 90 है और ये भी 90 है ठीक है कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सिक्स अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर इज दिस स्टेटमेंट ट्रू गिव रीजन फॉर योर आंसर ठीक है तो ये तो स्टेटमेंट कैसी है फॉल्स है दिस इज नॉट ट्रू द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ठीक है बिकॉज बिकॉज देखो ये क्या है डायगोनल्स है रेक्टेंगल के ये इक्वल तो है यानी कि यहाँ पर क्या है ए बी सी डी है यस ए सी इज इक्वल्स टू बी डी बट बट ए सी इज नॉट परपेंडिकुलर यहाँ कैसा ए सी परपेंडिकुलर दिख रहा है क्या नहीं ये बड़ा एंगल दिख रहा है ये छोटा दिख रहा है ये ऑप्टूज है ऑप्टूज एंगल है और ये क्या है अक्यूट एंगल है ठीक है तो इसका मतलब क्या है ये परपेंडिकुलर नहीं है नॉट परपेंडिकुलर ठीक है तो द स्टेटमेंट विल बी नॉट ट्रू कैसा है स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर जस्ट इक्वल बट नॉट परपेंडिकुलर ठीक है नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेवन कैन ऑल द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बी ऑप्टिवज एंगल क्यू रीजन फॉर योर आंसर ठीक है तो ये बोल रहा है कि क्या हर एक एंगल हर एक एंगल किसका क्वाड्रिलेटरल का 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है या नहीं ये हमको बताना है तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज एंगल सम ऑफ अ क्वारल क्या होता है इक्वल टू 360 होता है वो 360 से कम भी नहीं हो सकता और 360 से ज्यादा भी नहीं हो सकता ठीक है तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वारल इज 360 बट अगर ऐसा हुआ यानी कि एंगल ए इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल सी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड एंगल डी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तो सम ऑफ एंगल्स यानी कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वारेटरल यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी एंगल डी विल बी ग्रेटर देन विल बी ग्रेटर देन 360 डिग्री सो so, यहां पर क्या है विच कैनॉट मेक अ क्वारिलेटरल ठीक है तो क्या है आंसर विल बी नो आंसर विल बी नो ठीक है बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 ठीक है

एंड सी ठीक है यहाँ पर ये तीनों के लेंथ भी दिए हैं इन तीनों साइड्स के क्या लेंथ दिए हैं इसको इग्नोर करो ठीक है दिस इज नाउ इफ डी एंड ई आर respectively मिड midpoints ऑफ ए बी एंड बी सी तो ए बी का मिड पॉइंट क्या है डी है तो ए बी हैज मिड पॉइंट एज डी एंड बी सी हैज मिड पॉइंट एज ई तो बी सी का मिड पॉइंट क्या है यहाँ पर है दैट इज ई तो ये इनके क्या है मिड पॉइंट हो गए ठीक है अपने को क्या पता करना है अब डी का जो लेंथ है वो पता करना है नाउ वी नीड टू फाइंड डी ये जो डी है ये क्या है यही हमको क्या करना है पता करना है ठीक है और ए बी कितना दिया है अभी आते हैं इसमें ए बी इज गिवन दैट इज फाइव सेंटीमीटर यानी ये जो, जो लेंथ है दैट इज दिस इज फाइव सेंटीमीटर बीसी कितना दिया है बीसी इज एट सेंटीमीटर ये पूरा बीसी जो है दिस इज एट सेंटीमीटर एंड CA is to 7 cm. CA कितना है? 7 cm. ठीक है? 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 ठीक 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 ये हो गया तुम्हारा तो देखो सी इफ डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी इफ दे आर वॉट मिड पॉइंट यानी कि गिवन d and e are midpoints of ab and bc respectively ठीक है सो वी कैन राइट यहां से देखो वी कैन राइट de is half of ac

विच इम्प्लाइज डी जी डी सॉरी डी ई इजिकल्स टू थ्री पॉइंट फाइव क्योंकि सेवन बाई टू क्या होता है थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो दिस इज योर आंसर ना लेट ऑज सॉल्व क्वेश्चन नंबर नाइन इन फिगर इट इज गिवन दैट बी डी ई एफ एंड एफ डी सी आर पैरलोग्राम्स कैन यू सेक्ल्स टू सी डी तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि दो पैरलोग्राम दिया गया है अपने को दैट इज बी डी ई एफ एंड एफ डी सी ही देखो ये वाला ये है तुम्हारा बी डी एफ ये पैरलोग कौन सा है BDEF एफ और जो दूसरा वाला है वो है एफ डी कौन सा है एफ डी यानी कि ये वाला पैरलोग्राम देखो ये वाला ठीक है तो ये वाला पूरा क्या है पैरलोग्राम है ठीक है क्या हम तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या हम BD इज इक्वल टू सी डी बोल सकते हैं ठीक है सॉल्व करने के लिए वी शुड नो द रिलेशन बिटवीन दिस साइड ठीक है यानी कि इन ट्राइंगल सॉरी इन पैरलोग्राम इन पैरलोग्राम इन पैरलोग्राम बी डी ई एफ बी डी एफ बी डी इज इक्वल टू एफ पी क्यू क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरलोग्राम आर इक्वल इक्वल ठीक है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरलोग्राम आर इक्वल ठीक है तो लेट दिस बी इक्वेशन वन लेट दिस बी इक्वेशन वन नाउ In parallelogram FDCE DC is equal to FE. The reason will be same because opposite sides of parallelogram are equal. ठीक है सो लेट दिस बी इक्वेशन टू सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वट डू वी हैव क्या मिलता है अपने को बीडी इज इक्वल टू डीसी ठीक है बी डी इज इक्वल टू डीसी और बी डी इज इक्वल टू इसको हम सी डी भी बोल सकते हैं डीसी को सी डी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा so yes we can say that the so answer will be answer for this question will be yes we can say we can say that bd is equals to cd okay? coming on to question number 10 in the figure abcd and aefg are two parallelograms इफ एंगल सी इज इक्व टू फिफ्टी फाइव डिग्री एंगल सी इज इक्ल्स टू फिफ्टी फाइव डिग्रीज डिटरमाइन एंगल एफ ठीक है तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ए बी सी डी एंड एफ जी क्या है दो पैरलोग्राम है जैसे कि मैंने दिखा है यहाँ पर ठीक है और ये बताया गया कि एंगल सी की जो वैल्यू है दैट इज फिफ्टी फाइव डिग्रीज ये भी मैंने मार्क कर दी है सी ही विदिट टू फाइंड यानी कि हमको क्या पता करना है एंगल एफ क्या है पता करना है एंगल एफ जो है क्या है पता करना है, ठीक है तो सबसे पहले इन पैरलोग्राम इन पैरलोग्राम ए बी सी डी एंगल ए इज़ इक्वल्स टू एंगल सी क्या है एंगल ए इज़ इक्वल्स टू एंगल सी बिकॉज अपोजिट

एफ जी ठीक है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ सेम चीज बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरलोग्राम आर ऑलवेज इक्वल ये सब इसलिए क्योंकि इट इज गिवन इट इज गिवन दैट ए बी सी डी एंड एफ जी क्या है दो पैरलोग्राम है ठीक है Let this be equation 2. Okay. Let this be equation 2. So, now from 1 and 2. What we can write that is. Angle C is equal to angle F. Okay. Angle C is equal to angle F. Which implies. Which implies. Angle C is equal to. 55 degree. This is what given. So, angle F will also be 55 degrees. 55 degrees. So, angle F key value family 55 degrees. Theke? Coming on to question number ten. In the figure, ABCD and AEFG are two parallelograms. If angle C is equal to 55 degree. एंगल सी इज इक्वल टू फिफ्टी फाइव डिग्रीज डिटरमाइन एंगल एफ ठीक है तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ए बी सी डी एंड ए ई एफ जी क्या है दो पैरलोग्राम है जैसे कि मैंने दिखा है यहाँ पर ठीक है और यह बताया गया कि एंगल सी की जो वैल्यू है दैट इज फिफ्टी फाइव डिग्रीज ये भी मैंने मार्क कर दी है सी ही टू फाइंड यानी कि हमको क्या पता करना है एंगल एफ क्या है पता करना है एंगल एफ जो है क्या है पता करना है ठीक है तो सबसे पहले इन पैरलोग्राम इन पैरलोग्राम ए बी सी डी एंगल ए इज़ इजिकल्स टू एंगल सी क्या है एंगल ए इज़ इजिकल्स टू एंगल सी बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ parallelogram आर always इक्वल ठीक है सो लेट दिस बी इक्वेशन वन लेट दिस बी इक्वेशन वन ठीक है नाउ दूसरा केस क्या है इन पैरलोग्राम एफ जी एफ जी ठीक है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ सेम चीज बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरलोग्राम आर ऑलवेज इक्वल ये सब इसलिए क्योंकि इट इज गिवन इट इज गिवन दैट ए बी सी डी एंड एफ जी क्या है दो पैरलोग्राम है ठीक है लेट दिस बी इक्वेशन Okay. let this be equation 2 so now from 1 and 2 what we can write that is angle c is equal to angle f okay. angle c is equal to angle f which implies which implies angle c is equal to 55 degree this is what given ंगल एफ विल ऑल्सो भी फिफ्टी फाइव डिग्रीज फिफ्टी फाइव डिग्रीज तो एंगल एफ की वैल्यू क्या मिली फिफ्टी फाइव डिग्रीज ठीक है नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर लेवन कैन ऑल द एंगल्स ऑफ अ कॉर्ट लेटरल बी अक्यूट एंगल्स गिव रीजन फॉर योर आंसर तो लेटस सी सी य इट इज़ टोल्ड दैट यानी कि यहाँ पर क्या बताया है सारे जो एंगल्स है किसके कॉर्टिलेटरल के वो सारे क्या है 90 डिग्री से कम है अक्यूट एंगल्स का मतलब वही होता है ना कि वो क्या है 90 डिग्री से कम है ठीक है तो लेटेस्ट कंसीडर दिस एंगल ए इज़ लेस देन 90 डिग्री कमा एंगल बी इज़ लेस देन नाइन्टी डिग्री एंड एंगल सी इज़ लेस देन नाइन्टी डिग्री एंड एंगल डी इज़ लेस देन नाइन्टी डिग्रीज़ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कॉटरल क्या होती है दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री तो यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लेंगे इसकी तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी विल बी सी नाउ ये इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है लेस देन 90 तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा लेस देन 360 एंड दिस कंडीशन दिस कंडीशन विल नॉट मेक वॉट a quadrilateral this condition cannot make a quadrilateral so the answer will be no all the angles of a quadrilateral कैन नॉट बी angles ठीक है कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कैन ऑल द एंगल्स ऑफ अ कॉर्डोरेटर बी राइट एंगल गिव रीजन फॉर योर आंसर तो दिस विल बी एस बिकॉज सी क्या बोला है ऑल द एंगल्स ऑफ अ कॉर्डरेटरल्स क्या है 90 डिग्रीज है राइट right एंगल का मतलब क्या होता है आर वॉट 90 ज राइट एंगल का मतलब क्या होता well is degrees, है यार 90 डिग्रीज सो एंगल ए इज इक्व 90 डिग्रीज एंगल बी इज इक्स टू नाइनटी डिग्री एंगल सी 90 डिग्री एंड एंगल डी एज इज नाइंटी डिग्री ए बी सी डी क्वाड्रेटरल है तो इस उसके क्या है चार एंगल है ठीक है तो एंगल प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटरल क्या होता है 360 सिक्सटी डिग्री सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 plus 90 plus 90 plus 90 which is equals to 360 degrees so yes qk angle some property bhi kya hoti hai? 360 degrees So answer will be yes all the all the angles of a quadrilateral can be right angles ठीक है तो आंसर विल बी एस फॉर दिस नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर थर्टीन डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बाइसेक्ट ईच अदर इफ एंगल ए इज इक्वल टू थर्टी फाइव डिग्री डिटरमाइन एंगल बी ठीक है तो क्वेश्चन का मतलब यह है कि डायगोनल्स जो है किसके ए बी सी डी के क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के जो डायगोनल्स है बाइसेक कर रहे हैं किसको एक दूसरे को ठीक है तो देखो ये है डायगोनल्स क्या कर रहे हैं एक दूसरे को बाईसेक्ट कर रहे हैं देखो बाईसेक्ट कर लिया तो ये क्या बनाएगा इफ द डायगोनल्स आर बाईसेक्टिंग इसका मतलब क्या होता है ये क्वाड्रेटरल क्या है एक पैरेललोग्राम है तो यहां पर हम लिखेंगे देखो ये क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम हो जाएगा तो सिंस सिंस द डायगोनल्स आर bisecting each other the quadrilateral ABCD is a parallelogram. ठीक है, क्या है? It is a parallelogram. तो ABCD नाम देता हूँ इसको मैं, A C D, ठीक है और इसमें यह दिया गया है कि थर्टी फाइव ए क्या है थर्टी फाइव गिवन है ठीक है नाउ इन इन सी एबीसीडी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री ये इसलिए बिकॉज एंगल ए एंड एंगल बी आर वॉट को इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरलोग्राम ये क्या है कोर इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरलोग्राम और इनका सम क्या होता है हमेशा 180 डिग्री होता है यानी कि को इंटीरियर एंगल्स कौन सा हुआ एक के साइड वाला यानी कि एडजसेंट साइड देखो अगर एंगल ए और एंगल डी भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा एंगल ए एंगल बी भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री सो so, 35 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एज एंगल ए इज 35 डिग्री इट इज गिवन ठीक है सो एंगल बी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री सो एंगल बी इज इक्वल्स टू सिंपली 145 डिग्री ठीक है तो एंगल बी की वैल्यू क्या मिली 145 फोर्टी डिग्री नाउ लेटर सॉल्व क्वेश्चन नंबर अपोजिट एंगल्स ऑफ एंगल ए बी सी डी आर इक्वल इफ ए बी इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर डिटरमाइन द साइड सी डी ठीक है तो क्वेश्चन का मतलब यह है कि अपोजिट एंगल्स क्या है कॉर्डिलेटरल ए बी सी डी के क्या है इक्वल है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ अपोजिट एंगल्स जब इक्वल होते हैं तो कॉर्डिलेटरल क्या बन जाता है एक पैरोग्राम बन जाता है ठीके? If AB is equal to 4 cm, determine the side CD. So, the meaning of the question is opposite sides are equal, then the quadrilateral will be a parallelogram. So, we will write this statement as opposite sides, sorry, angles of quadrilateral are equal. सो द क्वार लेटरल इज अ पैरलोग्राम क्या हो गया क्वारल एक पैरलोग्राम बन गया सो वी विल ड्रॉ अ पैरलोग्राम नाउ सो दिस इज अ पैरलोग्राम एबीसी ठीक है एंड लेंथ ऑफ एबी इज गिवन दोर सेंटीमीटर ठीक है सो so, We can write in parallelogram ABCD, AB is equals to CD because opposite sides of a parallelogram are always equal. आर ऑलवेज वॉट इक्वल क्योंकि अपोजिट साइड पैराग्राम के क्या होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं तो सी डी विल बीवल टू फोर सेंटीमीटर दिस वॉज वेरी इजी देखो ए बी कितने बराबर है फोर सेंटीमीटर तो सी डी भी क्या हो जाएगा फोर सेंटीमीटर तो आंसर विल बी फोर सेंटीमीटर सो थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस से एंड सो दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज एट पॉइंट टू ऑफ दैप्टर क्वार्टर सो आईल सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज टिलेक गुड डे